बसमीम् अल्लाम टू लर्न विद तकदीस आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे हैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं सुबह फ़्राइडे की सुबह है ये और आईसी वेदर था बहुत ज़्यादा घास पे भी और छतू पे जो है वो आइस जमी हुई थी बहुत ज़्यादा ठंडी सुबह थी और बच्चों को छोड़ने के बाद जो है नाश्ता कर रही हूँ मैं यहाँ पे अपने लिए भी मैंने बनाया था और अपने हस्बैंड के लिए भी और नाश्ता करने के बाद जो है आ, बिल्कुल सिंपल सा नाश्ता है आ, अंडे बॉईल किए थे मैंने और हनी जो है वो ब्रेड के ऊपर लगाया था आ, ये सीड्स वाली ब्रेड है आ, मिक्स लेते हैं कभी वाइट वाली ले लेते हैं जो आ, आ, और कभी फिफ़्टी फिफ्टी जो ब्रेड है वो लेते हैं और इस दफ़ा जो है हम सीड वाली लेके आए थे तो हनी और अंडे और चाय साथ में बिल्कुल सिंपल सा नाश्ता था और उसके बाद जो है सुबह सुबह मैंने ऑर्डर की हुई थी आ, कुछ अपने लिए और कुछ अपनी सिस्टर के लिए मैंने मल्टीविटामस तो वो पार्सल रिसीव हुआ था सुबह सुबह ही आ, आया था तो वो भी मैंने खोल के देखी थी फर्स्ट टाइम ये वाली मैंने मंगवाई है नेचुरल नेचर बाउंडी इसका नाम है कंपनी का uh, मैंने सुना है रिव्यूज़ भी मैंने देखे थे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे देखते हैं uh, कैसी uh, होती हैं इससे पहले जो है वो मैं डिफरेंट थी उसका नाम अभी आई थिंक हॉलेंड एंड बैरट से मैं लेती थी खुद uh, जा के लेती थी वहाँ से uh, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन जब आप देखते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि अक्सर जो आ, मिलती हैं उनमें जेलेटीन वगैरह भी होती है इनमें भी ये टैबलेट्स हैं गमीज़ जो थी उनमें जेलटीन थी पहले मैंने वो डाली बास्केट में लेकिन जब मैंने उसका देखा फिर इंग्रेडिएंट्स वगैरह देखे उसके तो उस पर वीगन लिखा हुआ था लेकिन उसमें जेलिटीन थी तो फिर मैंने ये वाली टैबलेट्स जो थी ये ऑर्डर की थी ये वेजिटेरियन सूटेबल फॉर वेजिटेरियन एंड वीगन है लेकिन इसमें फिर मैंने इंग्रेडिएंट्स जो थे वो भी देख लिए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई करेंगे देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है ये फिर जो थी सैटरडे को मैं कोई इतनी खास वीडियो वगैरह नहीं बना सकी थी बिजी थी बच्चों के साथ घर पे उनको शावर वगैरह करवाया और घर के काम किए तो ये संडे की सुबह है सुबह ही मैंने सुबह सुबह उठ के सफाई वगैरह करके तो फिर मैंने अगले दिन रात को चिकन वगैरह जो है निकाल के रखी हुई थी सुबह मुझे था कि मैंने बिरयानी बनानी है क्योंकि शॉपिंग करते हैं सैटरडे को तो फ्रीज़र भी जो है वो फ्री होना चाहिए मतलब जब ले कर आते हैं चीज़ें और मज़ीद तो फिर उसमें रखनी होती हैं तो चिकन मैंने निकाल के रात को ही रख दी थी बाहर ताकि वो थोड़ी सी डीफ्रॉस्ट हो जाए और फिर जल्दी से मैंने उसको साफ़ करके बिरयानी बनाने लगी हूँ यहाँ पे मैं आधा कप जो है वो ऑयल डाला है दो प्याज़ डाले थे मैंने चॉप करके और साथ में एक टेबल स्पून जिंजर और एक टेबल स्पून गार्लिक आ, मैंने जो करते हैं श्रेड करके वो डाला है एक चिकन था मेरे पास और बोनलेस थी थोड़ी सी वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी और पैकेट के मसाले से मैंने बनाई थी मिक्स जो पैकेट मिलते हैं उसकी बिरयानी मैंने बनाई थी चिकन और अंडे साथ में उबल रहे हैं वो और आलू डालूंगी मैं इसके अंदर तो चिकन आलू और अंडे की बिरयानी बनेगी यहाँ पे तो मसाले डाल के भूनूँगी साथ में थोड़ा सा पानी डाल के डालूँगी कि जले नहीं मसाले और सैटरडे का संडे का जो दिन होता है काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होता है बच्चों के साथ बिज़ी होता है बच्चों के साथ बच्चे घर पे होते हैं तो उनके भी काम करने होते हैं फिर पूरे हफ्ते की जो वॉशिंग होती है वो भी वीकेंड पे ही होती है तो क्योंकि थोड़े थोड़े कपड़े होते हैं पूरे हफ़्ते के इकट्ठे किए होते हैं क्योंकि कुछ होते हैं जो आ, सेपरेट ओबली धोने पड़ते हैं सफ़ेद और काले और जो मिक्स्ड होते हैं सबको अलग लदा अलग धोना पड़ता है तो तीन से चार आ, जो होती हैं वॉशिंग मशीनस वो चलानी पड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है अभी मेरी रूटीन जो है आ, इस तरह की क्योंकि पहले तो मैं एवरीडे अपलोड नहीं करती थी वीडियो लेकिन अब चूँकि करती हूँ तो फिर थोड़ा सा अभी आ, सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा होपफुली अगले हफ्ते जो है वीकेंड की रूटीन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो यहाँ पर मैंने जो है टमाटर भी डाल दिए थे फ्र, फ्रीज़ किए हुए थे मैंने टमाटर तो वो मैंने डाले इसके साथ वो मेल्ट हो के तो पानी जब छोड़ेंगे तो अच्छे से इसको भून लूँगी मसालों को और साथ ही में मैंने आ, आलू जो थे वो काट के रखे हुए थे वो डालें हैं और थोड़े से प्लम्स जो हैं ड्राई प्लम वो डालें और हरी मिर्चें जो थी वो मैंने तीन काट के वो डाली थी और दो तीन जो है बाद में तीन अदद में जब इसको दम लगाऊंगी बिरयानी को तब डालूंगी तो पाँच से छः अंडे मैंने बॉईल किए थे वो ऐड करके अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम पे लगाऊंगी और जब मैं चावल ऐड करूँगी तब मैं इसके ऊपर अभी मैं चावल आ, मेरे रेडी हो चुके थे नॉर्मल मैंने बॉईल किया था पानी में डाल के चावलों को थोड़ा सा ज़ीरा और आ, नमक और साथ में तेज़ पत्ते डाल के मैंने बॉईल किए थे चावल और दम लगा दूँगी बिरयानी को और ऊपर से पुदीना हरी मिर्चें और साथ में आ, जो फूड कलर है येलो फूड कलर वो डाल के मैं इसको पंद्रह से बीस मिनट के लिए क्योंकि गर्म है आ, मसाला जो है वो भी और चावल जो है अभी उबाले हैं तो आ, दम लगा के तो इसको मैं पंद्रह से बीस मिनट के लिए रखूँगी और फिर हम निकल गए थे बिरयानी दम पे उतार के तो निकल गए थे हम शॉपिंग के लिए संडे को जो है यहाँ पे जो इंग्लिश स्टोर्स हैं वो आ, मार्केट से जो शॉपिंग फूड वगैरह की है जो भी हैं वो चार बजे बंद हो जाती हैं तो हम वैसे अपनी दुकान पे गए थे जो अपनी आ, आ, सुपर मार्केट से वहाँ से घर की आ, जो सौदा वगैरह होता है खाने पीने की चीज़ें वो लेने के लिए चले गए और वापस आके मैंने थोड़ी सी उसकी भी वीडियो बनाई है ये फाइनल लुक है दमा उतारने के दम से उतारने के बाद बिरयानी की अभी हम लोगों ने खाया नहीं है खाना जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि अपलोड करनी थी वीडियो तो मैंने सोचा कि पहले वीडियो अपलोड कर लेते हैं फिर उसके बाद जो है अभी तकरीबन हाफ पास्ट फोर हुए यहाँ पे शाम के साढ़े चार बजे हैं तो अराउंड हाफ़ फाइव सिक्स ओ जो है खाना खाएंगे तो जो शॉपिंग करके लाए थे वो और आ, मैं जो है चिकन फ्रीज़ करती हूँ मैं थोड़ा सा आ, पैट करके उनको थोड़ा सा दबा के बिठा लेती हूँ ताकि आ, वो इस तरह से होता है चिपट चिपटा हो जाती है चिकन बैठ जाती है पतली रहती है अगर इसी तरह से आप बैग जो है रख देंगे कि जहाँ पे आपने फ्रीज करना है मेरे पास बॉक्सेस होते हैं फ्रीज़र के बॉक्सेस हैं तो उसमें मेरे चिकन अगर मैं इस तरह से रख दूँ तो डी होने में ज़्यादा टाइम लेते हैं तो इस तरह से दबा के एयर निकाल देती हूँ और थोड़ा सा चिकन को बिठा देती हूँ तो फिर जल्दी से ये जो है डीफ्रॉस्ट हो जाता है तो मैंने सोचा कि मैं किस तरह से चिकन फ्रीज़ करती हूँ ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अगर आप भी इसी तरह से करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आई होप कि वीडियो जो हैं आपको पसंद आ रही हैं कॉमेंट कर दीजिएगा कुछ भी अच्छा सा हेल्प हो जाती है मेरी बहुत ज़्यादा उससे मोटिवेशन मिलती है हम जो भी कॉन्टेंट बनाते हैं उसमें अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज़